हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता है, मैंने अपने Redmi Note 9 को 12.0.8.0 से 12.0.3.0 पे डाउनग्रेड कर लिया है। और गाइस, जब से मैंने इसे डाउनग्रेड किया है उसके बाद से मेरे पास सारे फीचर्स वापस आ गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, न्यू कंट्रोल सेंटर भी वापस आ गया ब्लर वाला, साथ में गाइस यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन आ गया, साथ में जो भी आपके फीचर्स गायब हुए थे वो सारे के सारे फीचर्स यार इस अपडेट में वापस आ चुके हैं। तो यार, आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि यार आप कैसे अपने 12.0.7.0 या फिर 12.0.8.0, अगर आप इन दोनों वर्जन पे है तो आप कैसे इसे डाउनग्रेड करके 12.0.3.0 पे आ सकते हैं। और गाइस, ये काफी इजी स्टेप है, तो आपको बस वीडियो को एंड तक देखना है। और यार, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर से कर देना, आपका एक लाइक हमें यार बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। और यार, आप में से वीडियोस काफी सारे लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब सब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब जरूर से कर दो, क्योंकि Redmi Note 9 की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे आपको सबसे पहले देखने को मिलती है। तो चलिए यार, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार, इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपके डिवाइस का जो बूटलोडर है वो अनलॉक होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि बूटलोडर कैसे अनलॉक करना है, तो इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगी। आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं कि Redmi Note 9 का बूटलोडर कैसे अनलॉक करना है। जैसे आप अपना बूटलोडर अनलॉक कर लो, देख सकते हो मेरा बूटलोडर अनलॉक है। तो उसके बाद आपको करना क्या है, अपने डिवाइस का पूरा बैकअप ले लेना है, जो भी आपकी फोटोज वीडियोज या फोन नंबर जो भी है सबको आपको बैकअप ले लेना है, क्योंकि डाउनग्रेड करने के बाद आपका सारा डेटा जो है वो इरेज हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट एंड सिंक पे जाना है, आपका सारा डेटा यहाँ से सिंक कर लेना है। उसके बाद जाना आपको MI अकाउंट पे और MI अकाउंट को यहाँ से साइन आउट कर देना है। जब आप अपने MI अकाउंट को यहाँ से साइन आउट कर दोगे तो ये पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड देके से साइन आउट कर देना है। साइन आउट करने के बाद आपको बैक आ जाना है और आपने जो भी अपना लॉक स्क्रीन पे पासवर्ड पैटर्न या फिंगरप्रिंट लगाए उन सभी को ऑफ कर देना है, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो देख सकते हो मैंने सारी चीज़ों को ऑफ कर दिया है। तो गाइस, अब आपका डिवाइस से सारा काम फिनिश हो गया है, आपको अपने डिवाइस को पावर ऑफ यहाँ से कर देना है। तो गाइस, डाउनग्रेड करने के लिए आपको एक पीसी की रिक्वायरमेंट होगी, और उसके अंदर गाइस आपको ये तीनों फाइल्स डाउनलोड कर लेनी है। ये जो जिप फाइल है और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है इन तीनों फाइल्स की। तो गाइस, अगर आप 12.0.7.0 या 8.0 पे हो तभी ये तीनों फाइल वर्क करेगी, अगर आप किसी और वर्जन पे हो तो मेरी कोई रिस्क नहीं है इसके ऊपर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वाली जो टॉप वाली फाइल है मर्लिन ग्लोबल, इसे आपको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ और इसे एक्सट्रैक्ट होने देते हैं। मर्लिन वाले फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको मी फ्लैश वाले टूल पे राइट क्लिक करना है और इसे भी आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जैसे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो आपको उसके बाद प्लेटफॉर्म टूल्स पे राइट क्लिक करना है और इसे भी आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इन तीनों को जब आप एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो उसके बाद आपको करना क्या है, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं तीनों के तीनों, तो आपको ये वाले टूल को खोलना है, मी फ्लैश वाले टूल को, और इसके अंदर ये वाली जो आपको मी फ्लैश की टूल दिख रही है इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के लिए आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे इंस्टॉलिंग शुरू हो जाएगा। तो आपको इसे सक्सेसफुली इंस्टॉल होने देना है। मी फ्लैश को सक्सेसफुली इंस्टॉल करने के बाद आपको फिर से बैक आ जाना है। बैक आके आपको वापस से ये जो आपको दिख रहा है मर्लिन वाली फाइल, इसे क्लिक करना है और गाइस इसको एक बार ओपन करके आपको चेक कर लेना है कि इसके अंदर सारी फाइल्स है। तो उसके बाद आपको फिर से बैक आना है और इस पर राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे करना है रीनेम पे क्लिक। जब इस पर रीनेम पे क्लिक करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो आपको करना क्या है, ग्लोबल से लेके आपको यहाँ से बैकस्पेस करते आना है। बैकस्पेस कर करके यहाँ पे जो आपको दिख रहा है एम तक, यहाँ तक आपको बैकस्पेस करना है और एंटर कर देना है। आपको ये वाला नेम रखना है और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इस वाली फाइल को कॉपी करना है। देख सकते हो मैंने इस वाली फाइल को कॉपी कर लिया है। आपका जो मेन हार्ड ड्राइव होता है आपका, या तो हार्ड ड्राइव सी हो सकता है, डी हो सकता है, जो आपका मेन कंप्यूटर या लैपटॉप का हार्ड ड्राइव होता है उसमें आपको इसे पेस्ट कर देना है। तो कॉपी करके मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया है और इसे पेस्ट होने देते हैं। जैसे ही आपकी सक्सेसफुली कॉपी हो जाती है आपके सी ड्राइव में, तो आपको वापस से बैक आना है और जिस फोल्डर पे आप पहले थे, और यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म टूल्स पे क्लिक करना है। प्लेटफॉर्म टूल्स पे क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको दिखेगा CMD हेयर, तो इस पर आपको वापस से राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपको इस पर करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर जब आप क्लिक कर दोगे तो आपको येस पे क्लिक करना है और एक प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन पे आना है। फ़ोन पे यार, जब आपका फ़ोन पावर ऑफ है तो आपको फ़ोन को अपने फास्ट बूट मोड पे डालना है। आपको वॉल्यूम डाउन और पावर बटन एक साथ प्रेस करके रखना है 10 सेकंड तक, तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली फास्ट बूट मोड पे चला जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। उसके बाद आपको अपने वायर को कनेक्ट कर देना है PC में, आपको फ़ोन से अपने वायर को कनेक्ट कर देना है। तो देख सकते हो मैंने अपने फ़ोन से अपने वायर को कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर अब हमें लिखना है जो कि मैं बता रहा हूँ आपको। तो गाइस, सबसे पहले आपको जो लिखना है वो लिखना है फास्ट बूट डिवाइसेस, FASTBOOT, फास्ट बूट डिवाइसेस।
जैसे आप फास्ट बूट डिवाइस से लिख के एंटर करोगे तो आपका डिवाइस शो कर देगा। देख सकते हो मेरा डिवाइस शो कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या लिखना है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ क्या लिखना है। आपको इसका टाइप करना है फास्ट बूट गेट वॉर GETVAR। आप सही से स्पेलिंग चेक कर लेना और ऑल इसको दबा के उसके बाद आपको एंटर पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लोड हो गई है, पर आपको इन सब पे ध्यान नहीं देना है। आपको यहाँ पे बस ध्यान दे रहा है ये जो आपको रोल बैक वर्जन दिख रहा है, तो रोल बैक वर्जन पे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हो। तो आपको इसे बैक कर देना है, इसे मिनिमाइज़ कर देना है। आपको वापस से अपने वाले फाइल पर जाना है जो कि यार आपने यहाँ पर करा था मर्लिन वाले फाइल पर, और यहाँ पर आपको एक बार चेक कर लेना है जो फ्लैश ऑल यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको एक बार एडिट पर जाना है तो आपके सामने एक नोट पैड में खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसका रोल बैक एंटी रोल बैक वर्जन चेक कर लेना है। अगर यहाँ पे और वहाँ पे दोनों जगह सेम नंबर हुआ, जैसे कि 2 है यहाँ पे, अगर वहाँ पे भी 2 था और यहाँ पे भी 2 है, इसका मतलब आप सक्सेसफुली इसे फ्लैश कर पाओगे। ये काफ़ी ज़्यादा आसान होगा फ्लैश करने में। अगर ये दोनों नंबर मैच नहीं करते तो यार फ्लैश करने की आप ट्राई मत करना, आपका डिवाइस ब्रेक भी हो सकता है। तो देख सकते हो हमारे ये दोनों नंबर मैच कर चुके हैं। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, अब हमें सबको क्लोज कर देना है। तो मैंने सारी चीज़ों को क्लोज कर दिया है और आपको खोलना है मी फ्लैश टूल, जो कि आपने अभी अभी इंस्टॉल किया था। इसको आपको सिंपली ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक कर देता हूँ और ये अब ओपन हो चुका है। और यहाँ पे आपको सबसे पहले सिलेक्ट वाले लोगो पे क्लिक करना है, और जो आपने फाइल ड्राइव सी में पेस्ट करी थी या कोई भी आपकी ड्राइव में इंटरनल स्टोरेज जो आपने पेस्ट करी थी वो आपको सबसे पहले यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस मैं ड्राइव सी में अपने चले जाता हूँ, तो मेरे ड्राइव सी में मैंने इसे पेस्ट किया, तो दिस पीसी में मेरा ड्राइव सी होगा। ये देख सकते हो मेरा ड्राइव सी, और यहाँ पे ये वाली फाइल है मर्लिन वाली, और आपको ये सारी फाइल्स भी यहाँ दिखनी चाहिए। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे आप जैसे क्लिक कर दोगे आपकी वाली फाइल यहाँ पे शो करने लगेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डाउन आना है, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लैश एंड लॉक बैट। अगर आपको फ्लैश करने के बाद बूट ऑर्डर लॉक करना है तो आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको फ्लैश करने के बाद बूट ऑर्डर लॉक नहीं करना है तो आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस मैं फ्लैश करने के बाद बूट ऑर्डर लॉक नहीं करना है तो फ्लैश ऑल और बैट पे सिलेक्ट करना है। अगर आपको बाय इन केस बूट ऑर्डर लॉक करना हो तो फ्लैश ऑल और उसका लॉक बैट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो देख सकते हो ये क्लीन ऑन पे ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्टेड हो जाएगा, तो आपको इसे यहीं पे रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिर्फ फ्लैश पे टाइप कर देना है। तो गाइस फ्लैश पे क्लिक करने के बाद आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने ऐसा कुछ टाइमर रन करने लगेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे आपको सेकंड शो कर रहा है। तो यार मुझे तो कंप्लीट फ्लैश होने में 5 मिनट्स के करीब लग गए थे, 5 to 10 मिनट्स आपको लग सकते हैं कम्प्लीटली फ्लैश होने में। तो देख सकते हो ऐसा कुछ आपका टाइमर रन करेगा। और गाइस ये बिना कंप्यूटर के नहीं हो सकता, आप में से काफ़ी लोग बोलते हो बिना पीसी के, तो उसके बिना नहीं हो सकता। आपके फ़ोन का जो फास्ट बूट मोड है वो इस टाइप से शो करेगा। जब आप फ्लैश कर रहे होगे तो ट्रांसफरिंग उस पर लिखा आएगा, आपके फ़ोन के फास्ट बूट जो आपका डिवाइस है जो आपने कनेक्ट कर रखा Redmi Note 9 उसके ऊपर ऐसा कुछ लिखा आएगा। और साथ में देख सकते हो जब आपका यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रीबूट होने लगेगा, रीस्टार्ट होने लगेगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस वायर हटा दो और आपका फ़ोन रीस्टार्ट हो जाएगा और सक्सेसफुली 12.0.3.0 पे फ्लैश हो जाएगा। तो यार आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि 12.0.3.0 पे कैसे डाउनग्रेड करना है। आप इजीली डाउनग्रेड कर सकते हो, इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। अगर आप 12.0.7.0 पे हो या 8.0 पे हो तो आप इजीली से डाउनग्रेड कर सकते हो, पर यार बिना पीसी और बिना बूट ऑर्डर अनलॉक के ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर से कर देना। और यार थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए।